पहला आदमी हूं बिना डरे बिना किसी का पानी मारे, जो का आगरू मुंह पका आगरू खुल के सोचो, मुद्दा यो है, मुद्दा यो नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मूर्खता की सारी शर्में खत्म हो गई है भाई। स्पेशल हरियाणा में, हरियाणा के नौजवानों के लिए स्पेशल है भाई ये वीडियो। कुमना गाली दो बेशक दिए जाना, लेकिन आज वे हकीकत बताता हूं, फिर बूझुआ था तुम किस तक गाली दोगे और किस लेवल पे दोगे। हरियाणा का एक मंत्री साहब हाल फिलहाल लोकसभा की टिकट ले आया है आप लोगों की प्यारी भारतीय जनता पार्टी से। एक एक बात को समझना, एक बात नहीं है इसमें, दस बात से। कभी ये सोचो मुद्दा यो है, मुद्दा यो नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। जिसका नाम है रणजीत चौटाला, जिसको हिसार से लोकसभा की टिकट मिली है। पहला आदमी हूं बिना डरे बिना किसी का पानी मारे, जो का आगरू मुंह पका आगरू खुल का आगरू। उन्होंने बयान दिया है हमारे अपने पंडित समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, अकीन राजनीति का नाश कर रखा है। ब्राह्मणा ने तो भट्ठा बठा दिया। ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम के नारे लगाने वाले, जो आप लोगों की पार्टी है, उसी का एमपी का टिकट का दावेदार हिसार से, वो आप लोगों को कहता है। मेरे हिसाब से ब्राह्मण समाज, पंडित समाज हिंदुओं के अंदर ही आता होगा। आप सबसे बोल रहा हूं ये बात, गौर से सुनना। वो कह रहा है कि ब्राह्मणा ने हरियाणा की राजनीति का भट्ठा बठा दिया। मन चार दिन हो लिए उस बयान के बाद, मन ने सोची रस्यकारा तू क्यों आ दे देश गल तो सुननाई बंद आराम ते बैठ। एक भी तो जाट ने उस तेन नहीं कही, क्यों जाटा की बेजती करान लाग रहा भाई, क्यों भाईचारे ने पढ़न लाग रहा, तू क्यों नाश कराने की बात करने लाग रहा। एक भी पंडित ने न्यू नहीं कही। अरे मारे समाज ने कड़ा सब कहेगा भट्ठा बठा दिया, बता तो दे भाई कौन से ब्राह्मण ने भट्ठा बठा दिया। मतलब आप लोग राजनीति में इतने अंधे हो गए, इतने गिर गए हो। एमपी हरियाणा के गिने चुने 10 होते हैं, यानी कि 10 सबसे बड़े आदमी। उन 10 सबसे बड़े आदमियों में जो तुम सबसे बड़े पंचायती चुनो हो, उनमें के एक पंचायती स्टेज पर माइक पकड़कर तुमने गाड़ देने लाग रहा है, और किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग नारे के लगाओ हो बीजेपी जिंदाबाद, हिंदू तो जिंदाबाद, कौन सा हिंदू तो जिंदाबाद भाई। एक माइक पकड़कर तुम्हारा एमपी तुम्हारे को गालियां दे रहा है, और तुम उस तो वोट दोगे रू नजे तो आओगे, इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। मुझे गालियां कौन देता है वो बताता हूं आप लोगों को। पार्टिया के टट्टू, पार्टिया के छोटे उड़ाई टी सेल के चील वगैरह, 6,000-8,000 की नौकरी करने वाले। दूसरा बयान राव इंद्रजीत साहब गुरुग्राम से, जानते होगे सब। उन्होंने बयान दिया है कि यादवों की जितनी लड़कियों, जितने लड़के हैं उन सब की शादियां करवाऊंगा जटनियों के साथ। मतलब एक वोट के मामले में इतने अंधे, हर चीज की सीमा तार तार कर दी। और आप लोग बैठ के सुनते रहो, मौज करते रहो, क्यों थारा नाश जा लिया, थारे ये इंजेक्शन लगा रखे हैं धर्म के, जात के, मजहब के, बेशर्मी की हद। तुम्हारा ये कृषि मंत्री दलाल साहब माइक पर गगाड़ क्या करता, ये आंदोलन वे कर रहे हैं बिला जिंदगी बाण बेटी बहु भाज रही है। आंदोलन वे कर रहे हैं जिनकी बाण बेटी बहु भाज रही है, और तुम वे बेशर्म आदमी हो उनके पाछे में बढ़कर उन्हें वोट दो, उन्हें के पीछा हंडो। ऐसी तैसी करा गया भाई, इतना पानी मारना, ऐसे तलवे चाटना।
एक एक करनाल से टिकट मिली है जिंदल साहब को भारतीय जनता पार्टी से। जब वो कांग्रेसी था तो कोयला घोटाला खोल लिया था भाजपा ने, जिसमें यह बताया गया था कोयला घोटाला जिंदल ने करया है। मैं नहीं कह रहा, भाजपा कह रही थी। आज उस आदमी ने भाजपा ज्वाइन करके वहां से टिकट ले ली, उसके जो कोयले तक काले हाथ हो रहे थे वे हाथ धुल गए, साफ हो गए। आज उन बेशरम आदमियों को कहना चाहता हूं जो हर छकारा ना रहे घर में बैठ कर गाड़ दे हैं। जब मैं को हकीकत तथ्य पर बात करता हूं वे मेरी टांग खींचे हैं, वे मने गलत बोल रहे हैं, गलत बतावे हैं। किसी की मदद की जब पोस्ट गेरू हूं, 2% के वही हाथ आदमी नीचे क्या जवाब देते, तेरे भाई मेवाती कड़म मर गए उन पर ले ले मदद, डूब गए तम न मरना चाहिए उनसे पहले। ये तीन लड़कियां की शादी एक दिन में करवाई थी परसों, तीनों लड़कियां हिंदू थी। कड़ा मर जा थारा यो कीड़ा हिंदू तो वाला उस टाइम पे, थार तो पूछू मैं, उस टाइम पर कड़ा मर जा वो कीड़ा थारा। सबसे पहली मदद, सबसे बत्ती मदद मुस्लिमों ने की, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पड़ी है, छोरी किसकी ब्याई गई हिंदुओं की। मदद किसने करी सबसे ज्यादा, मुस्लिमों ने। अरे बेशर्मी की एक हद होती है, बेशर्मी से बाहर निकल के भी दुनिया यो चश्मा तार लो अंधभक्ति आला। अंधभगत कौन होता, अंधभगत कहते आगे तो पेट्रोल लग जाए कच्छे में। अंधभगत वो होता है, भगत होता है किसी का भी हो सकता है भाई, भगवान राम का, हनुमान का, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का। अंधभगत वो होता है जो जिसने उसकी गलती भी ना दिखे, गलतियां ने भी आंख मीच के देखता रहे। एक अपने सोनीपत के सांसद साहब की वीडियो वायरल हुई थी, 7 मिनट 35 सेकंड की, 36 सेकंड की, नंगे चलचित्र वाली, आप सभी ने देखा होगा। है किसे की औकात, किसे की हिम्मत, जो बेटी बचाने वाली बात कर रही थी उनका एमपी एक बेटी के साथ वीडियो वायरल करता, कड़मर गे रही है पंचायती, ये जो हम नगाड़ दे हैं। सोशल मीडिया है या घरा बैठ कर 10 रुपया का रिचार्ज कराएगा, कोई किसी को कुछ भी लिख सकता है, बात बात पे लिखेंगे अरे शिकारा चोर है। 2012 से समाज सेवा करने लग गया था, 24 आ लिया, 12 साल हो लिया, आज तक वो आदमी शहम ही नहीं आ लिया जिन्हें चोर साबित कर आऊ, आज तक वो आदमी शहम ही नहीं आ लिया जिन्हें न्यू कही और शिकारा मेरे 10 रुपये खा रहा है। ये जो चोर चोर लिखे हैं इनसे कमेंट में कदे पूछ के देखना, तन्ने तेरे बाप ने, तेरे दादा ने, तेरे गांव ने, तेरे गांव हंडना आज तक 10 रुपये दिए अरे शिकारा तो जो तू चोर कह। मेरा हर जाति के हर वर्ग से सवाल है, ये बेटियां बचान वाले बलात्कार कर रहे हैं, बेटियां बचान वाले नंगी वीडियो वायरल कर रहे हैं, थारे मुंह पताले क्यों लाग जी आ रहे है? एक रणजीत चौटाला पूरी ब्राह्मण कौम को बदनाम करता है, थारे हिंदुत्व का कीड़ा कड़ा मर गया। एक राव इंद्रजीत जाटनियों के बारे में ऐसे कहता है, कड़े चले गए वे छतरी जाट। सब नेता मंत्री तुम्हारी ऐसी तैसी करने लग रहे हैं, तुम्हारे भाईचारे को खत्म करने लग रहे हैं, और एक तुम जिन जय श्री राम बोल दिया वो चाहे 500 बलात्कार कर रहा, वो है सच्चा देशभक्त। राम राम और जय श्री राम में बहुत फर्क है। हम लोग, हमारे पूर्वजों ने बचपन से हमें हमारे दादा दादी ने उन तभी बड्डा ने ये सिखाया है, बेटा सूता उठ है को बड्डा शाणा मिल रहा है, राम राम बोलिए। और जो जय श्री राम है ये बना दिया एक प्रोपगेंडा। राम राम में दो विराम आता है, जय श्री राम में एक प्रोपगेंडा, ये एक हथियार है वोट लेने का। छोरी बहनी है भाई, आज एक 12 बजे को जो छकारा बनने की कोशिश करता हो गौर तो सुन लियो, लोहा रेडी गांव है बठगाम के पास, 12 बजे पहुंचूंगा। मां भी विकलांग, बाप भी विकलांग, भाई की जमीन में रहे हैं, खुद की जमीन तक नहीं, छोरी बहनी है,
रक्षा में बैठ के घर के बाहर आए, आख्या क्या सुनी रो कैमरे देख के, ये भी इतना जल्दी जल्दी मैं भी कैसे ब्याह दूं, लोग तो आंधे हो रहे हैं, को किसे का भगत बन रहा, को किसे का, किसे की इतनी औकात है नहीं अपने नेता मंत्री का गला पकड़ के न्यू कह सके, छोरी के हाथ पर 2 रुपये दर देने, वह पोस्ट इस मारे गे रहा करा गांव को वांट गए, सब तो पहले उड़ो मदद करने पोचे, कोई को ना पोचता, जब मदद कर का जा वहां ताड़े नीचे लिख दे वाह भाई वेल्डन भाई कमाल कर दिया भाई, फिर लिख दे ये काम करे जा भाई, राजनीति में मत पड़ा है, कड़ा झंडे ठाए देख लिया भाई तुमने, मैं किसके झंडे ठाए देख लिया, कौन से अखबार में इंटरव्यू देता देख लिया मैं, पिछले एक साल तक किसी इंटरव्यू पत्रकार आया था बात भी नहीं करया रू, छक रहा हूं इन चीजा ती सोशल मीडिया था फैन फॉलोइंग था, घर के बाहर सूता उठू 30 कार्ड टंगे पावे ब्याह शादी आके, मेरी मेरा दिल जाना है नट्या ना जाता जे बूंद, मेरी आत्मा जाना तम साथ देने की बात तो दूर तम ना आज तक टांग खींचण ते न्यारा को काम नहीं करया है, किसी नेता मंत्री पे हिसाब किताब ले लो न रही हो, थरे नाश करने लाग रोड बड़े बड़े, लाख करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ का घोटाला, 5000 करोड़ का घोटाला डेली आवे है, क्या किसी की मान दूध किसी नेता मंत्री के बाहर जाकर खड़े हो गए बुझी हो, उड़द जाकर मारे नमस्ते जी सीधा पाया मैं गोता की छाती में काले जाम रे, मैं बताऊंगा 10 मदद को करके दिखा दो, डोल डोल पीटे जाओ ही पे, मेरी खुद की पत्नी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है सोनीपत, डिलीवरी होने लग रही है, बच्चे की डेट है, रात का पूरी रात हॉस्पिटल में था, मां मेरा है नहीं, पत्नी को सिर्फ 3 चीजें संभाल सकती हैं, या तो मेरा बहन हो या मेरी माँ हो या खुद उसका पति संभाल सकता है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट, उसने छोड़ के इस हालत में जिस वक्त पत्नी की बीमारी में पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसने छोड़ के अस्पताल में एडमिट करा के पूरी रात का उड़ा था छोरी बयान जाऊंगा, अस्पताल में बाहर लेकर आऊं, बाहर लेकर गई मार्केट में सामान खरीदूंगा, बेड अलमारी संदूक जो के मैं भी लेके जाना और फिर लेकर उस छोरी के बाहर जाऊंगा, उस छोरी से देखाऊंगा और फिर थारे जी से फेसबुक पर बैठ के गाल सुनूंगा, यो फेसबुक फेसबुक भाई तम खेल लो हो, निजी जीवन में संघर्ष कराया खून बाया कति रोड़ा पर खड़ा होकर दिन रात तप्या हूं, जब को न्यूज आना यो हरस चकारा है, और जो ये गाल बकन वाले जी जो कीड़े हैं भाई इनसे इतना ही कहूंगा कि जमीन पे मिल लो, 20-20 तो रोज धमकी मिल रहे हैं, मारी पार्टी के बारे में क्या मैं बोल दी देख लेंगे, मारी पार्टी का प्रचार ना करा गोली मार देंगे, अपने दम पे जिया हूं, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे जनाजे जाते हैं, जब तक जीऊंगा अपने दम पर जीऊंगा, जी दिन किसी के कंधे पे सर टेकना पड़ेगा गोली खा लेंगे, घटिया प्रवृत्ति के आदमी गंदी राजनीति का बाहर नहीं लगते, एक आधी वीडियो देखा रो तारा थोपड़ा आंख नाक सब क्यों पट जाएगा, डेली हिंदुआ की छोरी बयान लागे रहे उस टाइम पर तो किसी का हिंदू तो का सबके कीड़े मर जा बेरा ना कड़े चले जा है, जैसी जैसी मदद मन न कर रहा कि अपने आप पर प्राउड फील हो है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे अपने एक चमार समाज की बेटी अंधी गूंगी बैरी बलात्कार करके जड़ा का मार दी थी, रिपोर्ट थी नहीं हुई थी, चारों तरफ दुश्मनों के गांव थे जाकर रिपोर्ट करवा का आया था, कम से कम 60 लाख की मदद करी थी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील करवाया था, आज वे जेल में है, एक छोटा 7 साल का बेटा ओम सैनी नाम का छोरा जिसकी जमीन भी गिरवी रख गई थी, जिसको कैंसर था, उसकी जान तो मैं नहीं बचा पाया, 45 से 50 लाख रुपए की नगद मदद करी थी उस बच्चे की, उसकी जो गिरवी रखी जमीन थी उसके माँ बाप को वापिस दिलवा दी थी, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पड़ी पाओगी सबूत के साथ, एक अंधी ना दिखने वाली वृद्ध ब्राह्मणी सबके घर घर हांड ली थी, मेरी बेटी का ब्याह कोई कोई ना मदद करता, सोनीपत की बात है, वीडियो पड़ी पाओगी सबूत के साथ देख लियो, मैं जाकर करवा गया था उस टाइम पर कड़ा मर जा थारे जाताड़े कीड़े
पोस्ट के रू यार डेली लिख के इसकी मदद जरे फलाने काम की से इसी जात की यार को कर दो को आ जाओ आगे जब तक पूछ ना अपने पिछुआड़े में देख अपने घर में लोग जा है आ जाए साहब लेन काम के करे छकारा क्यों करे छकारा छकारा आगे क्यों पावे है वीडियो क्यों गे रहे है फोटो क्यों गे रहे है इस बात से तुम्हारी छोटी सोच की औकात का पता लगता तब मेरे तक कितने डर रहे हो थारा डर यो है यो आगे ना बढ़ जा किसे भी जाति का किसे ने भी अपमान कराया हो को बोलिया हो ना बोलिया हो छकारा सब तो पहले बोलिया है चाहे उस जाति में खुद जाट हो रणजीत चौटाला के बारे में मैं करता हूं खुल के विरोध मैं कहता हूं ऐसे आवारा तत्व को घर पर बैठाओ उसको पता लग जाए ब्राह्मण क्या है। अरे घटिया प्रवृत्ति क्यों अपने अंदर तीस कीड़े ना मार के 12 साल तुमने मेरी टांग खींच ली एक बच्चा महीने साथ भी दे के देख लो एक बारी मेरा साथ भी दे के देख लो आंख नाक कान खोल कर सोचा करो बीजेपी थारे खड़की बोरी गिरण ना आवे घराना की वागी बोरी गिरण आवे ना को कांग्रेस थारे घरा खड़की बोरी गिरण आवेगी वागी बोरी गिरण आवे तुमने खुद कमाना पड़ेगा खुद खाना पड़ेगा और गलत ना गलत कहना पड़ेगा ना थारी ब्रांड माटी तुम तो अपनी जिंदगी काट लोगे थारे बालक माटी में मिल जाएंगे। थाईलैंड एक छोटा सा देश है वेश्यावृत्ति कराया करे पूरा देश 85% आदमी वहां के वेश्यावृत्ति के कारण कमा के खाते हैं उनके रुपये की वैल्यू भी इंडिया से 3 गुना ज्यादा है और हमारा इतना मजबूत इतना तगड़ा इतना विकासशील देश होते हुए भी हम कड़ा पड़े हैं रे। ईरा ईरा जो होता है ईरा कौन खरीदया करे अमीर आदमी ईरे पर जीएसटी के कर रखी 3% और कॉपी पेन कौन खरीदेगा पढ़न या लिखन या गरीब का बालक उस पर जीएसटी के 18% हीरा खरीदने की औकात तो भाई अमीर की गरीब की तो ना है मतलब अमीर थी इतनी छूट और गरीब की गर्दन पर चाकू धर रखा और तुम अपने घर में बैठ का सो हो को काम की पोस्ट गिर दिया उड़े बिला बू आवे भैया आप में राजनीति की कड़े टिकट मांगता देख लिया भाई किसके बाहर जाकर मैं तुमने बेंजू बजाता देख लिया मैंने साजंदा बन रहा हूं मैं किसी उसका नेता मंत्री का मेरी औकात और मेरा लेवल वो आज के टाइम 18 बार बीजेपी घर आ चुकी बीजेपी के बढ़िया बढ़िया नेता मंत्री छकारा पार्टी ज्वाइन कर ले जो पद कहेगा वो दे देंगे छकारा पार्टी में आ जा जो कहेगा वो दे देंगे अगर कल जाके ज्वाइन कर लू परसों किसी की औकात नहीं फेसबुक पर को गलत बोल देगा घर तक ठवा गए मोर बनवा दूंगा सब कहेगा लेकिन मैं गंदा लाल चिलो भी नहीं हूं मैं जीसा हूं ईसा एक कमा के खा लूंगा अपने घर में बैठ कर रूका सूखा झूठे झंडे ठाए को ना जा मैं किसी जाति किसी धर्म किसी मजहब को टारगेट करके नेता मंत्री ना बनना चाहता अरे गंदे आदमियों ये गाली देने वाला है तो कहूं ओ गंदे आदमियों अगर गाली देनी मेरे तो दे लिया रो मेरे परिवार तो मेरे बालक बच्चा दिया मत करो भाई ऐसे ना होने वाली बात से एक एक आदमी का डायरी में नाम लिखा रू ये जो गंदे गलत बोल रहे हैं आज नहीं तो कल मेरा टाइम आओगा क्योंकि मैं मेहनती हूं अगर मैं नहीं मरिया मैं जिंदा रह गया एक एक चीज का बदला लूंगा मां की कसम खा के कहूं भाई एक एक चीज का बदला ले लूंगा मैं माड़ा नहीं हूं किसी भी चीज में मैं बस एक चीज में माड़ा हूं मैं संघर्ष कर रहा हूं मेरा समय नहीं है थोड़ी ही पावर मेरे पास आ गई ना मैं मेरे भाई मैं औकात दिखा दूंगा हरेगी 2 नंबर ज्ञान है अच्छी तरिया और जिन अपना आंगा मान रहा है को न्यू मान रहा है आम न्यू करके दिखा देंगे हमने छकारा तू ऊपर जाना यार मैं मदद दूंगा थरती तम पोस्ट गेरो थारी थारे में दम है तम करके दिखाओ मसूर भी मैं करूंगा मदद भी मैं बताऊंगा को करना लागता हो भाई नंबर लिखो 839888901
तीन छोरिया की मदद करी उस दिन बताई थी 1,46,000 रुपये टोटल दान आया है। मदद में रुपये लागे देखा 2,25,000 किता है भाई बाकी रुपये थर तब पूछना चाहू हूं जो न्यू कह खा गया एक टू जेड आदमी का दान देना लगा नाम लिख रहा क्या 1,100 रुपये को दे दे उसका नाम ना लिखा जात तार ले हमारी थारी फलाऊंगा थारी बेजती करूंगा मेरा नाम तो ना लिखा मेरे तरफ ये खा गए तम आ जोड़ गयो कहनी पड़ा रहा काका तो ना स्क्रीन शॉट ना भेजा था व्हाट्सएप पे ई भेजा है अगली मदद में तेरा नाम ले देंगे या छोटी सोच है लोगा की और कौन मान रहा 1,100 से 2,000 से 5,000 खाए तो मेरा घर चल रहा है 25-26 परिवार पाल रहा हूं भाई इतना बोधा ना हूं अटकाले करूं तो दिन रात तड़के सांस काम करूं मेहनत करूं हूं अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूं उस तक खून पसीने तो मेरा काम चल रहा है मेरा घर चल रहा है वे जो 1,46,000 रुपये तुमने दिए और 2,25,000 उड़ लाए वो जो ऊपर का बीच का वो गैप वो है वो कितन कितन मैं लाऊं हूं अपने दोरे तर अपने सर्कल में गए ये डेली कितना कितना चीप गेस्ट जहां कोई मन छकारा ना बुलाता रुपया ना बुलाऊ रुपया के मारे बुलाऊ ये हर एक जगह 11,000 21,000 जो दिया हा घरा बैठ कंधा जे लाओ 2-3,000 का तेल लग गया 5-4 गड्डी ले जान में और फिर उड़े 500 ढोला दे दिए 1,000 कॉमेंट्री वाला दे दिए 1,000 को उड़े वे कर्तव्य दिखाने वाले उन तो दे दिए बहुत घना खर्चा हो है यो पंचायती पने में आईडिया लाओ घरा बैठ के ना तो मेरा बाप को नेता मंत्री था इस मारे तुम इतने बोलो हो ना मैं को नेता मंत्री हूं थारी औकात का बेरा पाट जाएगा मैं बताना गिरा इनका जागा पुंजड़ पाट लियो ना भाई ये जो थारी सरिया माइक पकड़ पकड़ बेजती करे इन नगा पल्लू पकड़ के तम वोट घेर हो घेर थारे धर्म घेर जात घेर मजहब घेर सब क्या के कीड़े मर जाओ उस टाइम पे मेरे को जो मेरी टीम जो मेरा भाईचारा जुड़ रहा एक आदमी मेरा साथ दे है मैं कैसे किसी को गलत कह दूंगा भाई जाट मेरे तरफ ये दे ब्राह्मण मेरे तरफ ये दे राजपूत मेरे तरफ ये दे वाल्मीकि मेरे तरफ ये दे मुस्लिम मेरे तरफ ये दे सिख मेरे तरफ ये दे मदद के लिए मैं कैसे गलत कह दूंगा लेकिन राजनीति में इतने अंधे हो रहे हो सब ने अपने ग्रुप बना लिए संगठन बना लिए दम्मल फौजी नीचे जुड़ रहा शमशेर दैया हरियाणा पुलिस में लग रहा ड्यूटी बजा रहा गुड़गा मूड बैठ के भी 11,000 रुपये भेजे ही ने अगे इस बेटी की मदद करण जा मात्र 26 आदमी रुपये भेजे इबती 1,100 और 2,100 तो ज्यादा अगर किसी ने भेजे तो दम्मल फौजी ने भेजे इबी 11,000 इब आप अंदाजा ला लो कितने घर पुलटी मां खा लू हूं काम कोना चलता भाई मेरा बहुत घने खर्चे हूं है तो आप सब तो इतना ही कहूंगा ना साथ देना बस का हो भाई मेरे तो गलत मत बोलो रे मेरे तो ऐसा नो है ये बातें मेरी सहन शक्ति बहुत कम है और इस समारे में सोशल मीडिया और इन चीजा तो दूर होने लग रहा हूं पर के करू घर के बाहर जब को आकर रो है देखा ना जाता मदद करके दिखानी की तो एकता दिखानी की तो अपना भाईचारा दिखाना साथ देना है देख देखो तारा भाई कच्चा लेकड़ा जब कही हो ये बात और जो भाई आज जो साध्य जी मदद के लिए जावा किसी ने सहयोग करना हो हालत आप लोगों को बताती है मां भी विकलांग बाप भी विकलांग फिर भी मजदूरी करके दो टाइम की रोटी खा है एक बेटी उसकी आज शादी है 8,39,88,88,901 यो हमारा फोन नंबर है व्हाट्सएप भी यो है कॉलिंग भी यो है गूगल पे भी यो है फोन पे भी यो है जिसने जो मदद करना हो मदद करके इसके नंबर पर स्क्रीन शॉट भेज दिया रो व्हाट्सएप पर हम उस नंबर ने ऐड कर लेंगे नाम नंबर एड्रेस लिख कर भेज दिया रो उसने वीडियो में बोल दिया रहा ये दानवीर भाई थे अरे भाई थोड़ा साथ दो टांग तम न बतेरे दिन खींच लियो मान भी जाया रो खर्चे की छोटी बात बता दियो 8,39,000 साले का जो मारा व्हाट्सएप बंद हो गया था व्हाट्सएप चालू हो या भाई 19,000-20,000 में तो 18,000 रुपये तो लागे हैं कोई इसकी वालेन के यो भी पीछे में कर दिया 3-4,000 रुपये लागे हैं मैसेज रिचार्ज करने के यानी कि 21,000-22,000 रुपया मतलब व्हाट्सएप चालू होया एक भी नेगा 8,39,000 डाटा ज्यादा है लाख नंबर के करीब तो नंबर है व्हाट्सएप पे सोचो लोगों ने कितनी उम्मीद मारता है ये 2-4 कुत्ते बिल्ली के भोके तो कोई फर्क को ना पड़ता
तम नगाड़ जो उस तभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुआ आगा प्ररूप करो किसी चीज ने को के मैं मदद करके दिखाओ, मारे जितना संघर्ष करके दिखाओ, जब मानांगे तम के मैं सो वेले यार कुछ भी भोगते रहो। को बात मुंह तो गलत लिखड़ गई, वो भाई लिखी पड्डी बात नहीं बोल यारू, जो दिल जुबान पावे भीतर की हकीकत वाय बोल यारू। उसके लिए माफ करना, 8-9 मुकदमे भूल पहले ही भुगतान लाग रहा हूं मैं सरकार के, अपने घर तक जमानत कर रहा हूं, अपने घर तक रुपये ला रहा हूं, ना मन को पंचायती दुखी करा, ना मन को पंचायत दुखी करी, ना मन को जात समूह दुखी करा। अब भाई मेरी मदद करो, मेरी जमानत कराओ या मन रुपये दो, जितना जो के मैं वो बोलने के ऊपर भोगत रही भाई, अपने पीछा तब भोगत रही हाँ, अपने घर तब भोगत रही हाँ, तोटा को ना भाई किसी की बात यह है। धन्यवाद आप सभी का इतना समय दिया। राम राम, जय हिंद।